इसको हम ना डालेंगे टाइगर वाले ग्रुप में, व्हाट एन 800 ओनर थिंक्स अबाउट द 900, व्हाट सॉर्ट ऑफ शिट ही सेज, ठीक है। What is up guys? कैसे हो आप लोग? We are back from Bangalore and we had parked our motorcycle here. This is Vikram's place and this is his Tiger 800 XCX. This is what we had earlier, right? Remember? So the plan right now is that we are heading to the Chandigarh Triumph showroom to get the motorcycle serviced. This 900 Rally Pro has done almost 900 odd kilometers. So 1000 kilometers पे first checkup वाली service करवानी है. मैंने सुना है उसका भी bill थोड़ा ठीक ठाक आ जाएगा, 7-8 हज़ार आएगा. But अच्छी बात यह है कि Triumph की सर्विस साल में एक बार होती है, तो इसकी नेक्स्ट सर्विस 10,000 किलोमीटर के बाद होगी. सो दैट इज अ यू नो समथिंग दैट मेक्स मी फील कंफर्टेबल. आई हैव माउंटेड द राइनॉक्स बैग अगेन. ये मेरे साथ ट्रैवल पे गया था बैंगलोर, अब इसमें फिर से पूरा सामान लगा दिया है एंड होपफुली आई विल बी शोइंग यू द होल सर्विस प्रोसेस. सो लेट्स गेट ऑन द बाइक एंड गेट स्टार्टेड. इट्स गेटिंग वेरी वेरी वार्म हेयर, अच्छी खासी गर्मी हो रही है एंड राइडिंग गियर में यू नो हालत खराब होती है. ये वाले डबल टेक मिरर्स हमें भी लगवाने हैं, बट मेरा प्लान अभी ये है कि ये जब टूटेंगे ना तब मैं लगवाऊंगा. अच्छा, इसको पहले पूरा यूज कर लेता हूँ. क्योंकि अब इसके पैसे दिए हैं हमने, स्टॉक की चीजें पूरी यूज करो. चलो ओके. सो दिस इज विक्रम्स टाइगर 800 XCX. कितने साल से चला रहा है भाई? 2017. ओह, तो 6 इयर्स राइट. अभी 6 इयर्स के बाद एक बार जरा तो वो चलाइयो. कल तूने चलाई है, एक बार फिर से अपना घटिया रिव्यू देना मेरे को 900 के बारे में, मेरे को सुनना है वो. इसको हम ना डालेंगे टाइगर वाले ग्रुप में, व्हाट एन 800 ओनर थिंक्स अबाउट द 900, व्हाट सॉर्ट ऑफ शिट ही सेज, ठीक है. चलो निकालो. ये जो एरो एग्जॉस्ट की आवाज़ है, ओहो, एंड आई थिंक इसका बैफल भी निकला हुआ है. ओए होए, आ गए अपनी पुरानी. This is our X, you know. यार इस पे आके तो एकदम at home feeling आई है. This is the view, guys. The 800, the 900, and what? Same color में almost Thar भी खड़ी है यार यहाँ पे. ये तो confidence हो गया है यहाँ पे. दोनों की आवाज़ें एक साथ. चलो चलो. आये मेरी जान, पुरानी वाली. क्या आवाज़ है यार 800 की. एक्चुअली 800 की आवाज के सामने 900 की आवाज ऐसा लगता है गरारियों में खराश आ गई है. स्मूथनेस वो फील ही नहीं होती. सो अपनी 900 में ये गैस वर्क पूरा खत्म हो गया है. भाई ने 2 हफ्ते बाद निकाली है. ही डजंट हैव एन आइडिया ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ टायर प्रेशर इज देयर. हमारी 900 में तो ये नया नया फीचर है, तो TPMS में साफ साफ दिख रहा है रियर में 46, फ्रंट में 34. A few moments later. So we are facing this issue with the GoPro. यहाँ पे बैटरी का जो क्लिप होता है निकालने वाला वो ही टूट गया है. So that's why I was not able to create the video while coming to the service center. So I'll show you where the bike is parked. That is where our Rally Pro is parked. अभी ये ऑयल निकल रहा है जो पूरा काला है, तो जाते ही अंदर अंदर जाते ही पूरा काला हो जाता है ना. अभी क्या क्या होना है फर्स्ट सर्विस में? ऑयल चेंज होना है, ऑयल फिल्टर, चेन क्लीनिंग, लूबिंग एंड ये बार ये बताओ ये जो ये यहाँ लगा है फोक सील कवर, ये इसका डिप टाइप कुछ इसमें प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा तो ऊपर नीचे है क्या? ये ठीक है, थोड़ा नीचे होगा. इसकी सेटिंग एक बार देख लो, मतलब उधर वाले का भी देख लेना. और एक चीज और है, इसमें एक एरर आ रहा था OSTC करके, कुछ एक एरर आ रहा था, पता नहीं क्या है वो, देखना मेरे को क्यों आता है वो रीजन. अच्छा ठीक. सो इसका चेन ल्यूब एंड ऑल वही 600 किलोमीटर टाइप का है ना, 500-600 है ना. सो सर्विस सेंटर पे आए हैं एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग अ लॉट ऑफ टाइगर्स. एवरीबॉडी इज गोइंग टू राइड टुवर्ड्स ले. आई मेट अ ग्रुप ऑफ 3 bikers. वन ऑफ देम वाज एक्चुअली इन द फ्लाइट विद मी दैट आई वाज टेकिंग फ्रॉम बैंगलोर टू चंडीगढ़. सो दे आर ऑल गोइंग टुवर्ड्स ले बाय द श्रीनगर रूट. So this guy, your Insta is what? Rally rider? The rally rider, yeah. Yeah, so he has, you have done 20,000 kilometers in how many? Like 2 years plus, right? Yeah, between 1 year, 1.5. Now this guy, has been riding the 800 from 2017, right? So I left my bike at his place and he told me he'll take a test ride. Yeah.
What is your experience after putting me on spotlight, man? No, no, I want you to be. That is the real thing, because my experience got, you know, contaminated because I sold the Tiger 800 and then I started riding the 390 Adventure for 6 months. Right. So that is a full vibey machine. That's true. After that, 900 felt smooth. Right. Now this guy is saying, don't ask me about the 900. It's so vibey. Okay. So what I told him was that you are asking the wrong person or the wrong set of people. Uh-huh. People who have ridden 800. Right. And if they ride 900, yeah, then of course they'll get into comparison mode. Yes, so my initial comment was, please, yeah. No comments. He doesn't want to hurt my feeling. I've spent so much money just a week back. So, but yeah, for people who are getting into Tiger in this class, it's as a clean slate, then it's a super machine, brilliant, premium machine. Exhaust note. Have you experienced the 800 exhaust note while riding? So what happened yesterday was that, his keys were with me, his Tiger keys were with me. So I took a quick spin and just within Chandigarh, Panchkula side, and had to overtake one vehicle. So acting smart. So I wanted also to release my peace of mind. So while overtook, we were trying to, you know, tell each other kaisi awaaz aati hai, and we both of us made the same noise. That is not there in this. It is like I told him it's like a Ducati Multistrada 950. So then I recollected what he stated was that unhe Ducati 950 Multistrada chalai hai, maine haath lagaye. So it will feel like that. Okay. What were you riding before this? Oh no, I had nothing before this. I had a Pulsar 200 before. What a jump, man. So this must be feeling like heaven. What am I riding right now? Always. But that is how it should happen. We should always gradually move forward. Yeah. So I also I rode an LML Vespa and then a CVZ, then Enfield. Yeah. So my friend also does the same thing. So thankfully, I had this bike and the GS there. I used to keep riding whenever in between gaps. Yeah. And I wanted one for sure. Down brilliant, the line. Brilliant. So, Abhi, what is your plan? Where are you going and how many days? It's a 15 days trip. Okay. To Pathankot, Srinagar, Kargil, Leh, down to Manali. And you're not doing Zanskar, you're doing the standard Leh circuit. Yeah. Okay. But right now, we have heard there is a lot of jam on the Bharadachala pass. Yeah, there is. 4-hour jam, 5-hour jam. There was earlier. Yeah. And I feel one of the factors is that because of good roads now, it's getting better. It is now accessible. Ah, so very easily accessible. Like the one that the example of Manali that you gave me. Yeah. That how new tunnels have come up and good tarmac, and almost half of Delhi NCR has already reached there. Yeah, exactly. So from here till Manali is like what, 5 hours now? That's the big change now. So everything is getting crowded in Manali. So pros and cons of progress. I think I'll do the ride this year sometime in September. August 10th or September. Around same time, I'm also planning. So let's plan it together. Because abhi to it's like, whatever. Now it is a peak time, so it's crowded. This is too much crowded. Yeah. Is samay to it's like hell right now. So this is the Tiger 1200. Main batata hu maine isko kyun nahi liya. Kyunki mere out of scope hai, meri out of range cheez hai. Economically bhi aur from a comfort standpoint. When I sit on this bike, mere pair dikhaiye. ये पूरी तरह से फ्लैट फुट मतलब जस्ट हो रहे हैं जस्ट फ्लैट फुट एंड दिस इज द परफेक्ट एनवायरनमेंट जहाँ पे द ग्राउंड इज टोटली लेवल. अब जब इसे ऑफ रोड लेके जाऊँगा मैं एटलीस्ट फॉर माई स्किल इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन थिंग्स फ्रॉम अ बैलेंस स्टैंड पॉइंट. एक साइड ऊपर आती है एक साइड नीचे आती है एंड वेट भी इसका कितना ज़्यादा है इससे 900 से. सो दिस इज 20 kgs हैवियर देन द 900 एंड द सीट हाइट इज 870 mm. उसकी जो है 840 है लोएस्ट मतलब मीडियम सेटिंग उससे भी कम हो जाती है लो सीट में. इसकी लोएस्ट 870 है. इसका डिस्प्ले भी बड़ा है क्या? 7 इंच से बड़ा डिस्प्ले है ना इसका? नहीं बट इसका डिस्प्ले की शेप अलग है. तो दिस इज अ कम्प्लीटली यू नो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल. हमारी तरह नहीं है मीडियोकर लाइफ का मॉडल लिया हमने 900 वाला. कीलेस इग्निशन कैन यू प्लीज शो द की. दिस इज कीलेस इग्निशन. जेब में डालो ऑन करो पुश बटन स्टार्ट. कहाँ है भाई? So that is the hi hello from Triumph. But ना मेरे को एक चीज लगती है you tell me. मुझे ऐसा लगता है कि जो 1200 का जो graphics हैं थोड़े laggy हैं compared to 900. That is what I found. देखना ये कैसे right left कहाँ से करा था? एक बार करें. ये देखो ये
सब कुछ तो नहीं होगा यार, सब कुछ करवाओगे क्या यार? पर यार 20 लाख से ऊपर खर्चे हैं, कम से कम ग्राफिक्स तो सही थोड़े से ना देने चाहिए थे। क्या हो रहा है? एप्पल का M1 चिप थोड़ा सा करना। हाँ, इसमें एप्पल का M1 चिप, ये बिल्कुल सही बोला। अब प्रोपोर्शंस देखो यार टैंक के, ये देखो ये वाला पार्ट कैसे उठा हुआ, ये साइड्स देखो कितना निकला हुआ फेयरिंग। इसका एग्जॉस्ट नोट एक बार आपको सुनाते हैं। मैकेनिकल जो काम था, चेन ल्यूब वगैरह वो सब हो चुका है, वॉशिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। तो यहाँ पे अभी क्रूज कंट्रोल चेक हो रहा है। क्रूज कंट्रोल में क्या मतलब, एक्टिवेशन वगैरह सारे बटन सेंसर सही चल रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं? सो अभी ये चेकिंग चल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये एरर वगैरह सारा अभी ठीक हो जाएगा। क्या जुगाड़ है ये, ऐसे क्यों कराया इन्होंने, ये गैप क्यों बनाया इन्होंने, कौन सा एयर ऐसे कीचड़ है? ये सारी धुल वुल के आ गई है बाइक, एकदम ब्रांड न्यू शाइनिंग, और अभी 500 किलोमीटर चलती फिर से वही गंदा हो जाना है। इसे मनाली जाना है आज, फिर गंदी हो जाएगी। साइलेंसर को अंदर से साफ कर दूँ दौली साइड से। So finally the service is completely done, the bike is looking spanking new, everything like last week जब खरीदी थी बाइक। We were missing this fourth buckle, तो यहाँ पर हमने ये एक what do you call belt लगाई है, इससे बैग हमारा पूरा सॉलिड हो गया है। एंड नाउ वी विल स्टार्ट आर राइड टू कुल्लू। बाय द वे द कॉस्ट ऑफ द सर्विस वॉज अराउंड 7,000 रुपीज़, विच इंक्लूडेड 3,600 रुपीज़ ऑफ लेबर कॉस्ट। सो दैट वॉज द फर्स्ट सर्विस। अच्छी बात यह है कि we will be doing the second service sometime next year, hopefully 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता बाइक को चलाना इस ईयर। 1,000 किलोमीटर वाली थी ना? ठीक है हाँ, अभी 10,000 किलोमीटर। डन डन, 365 दिन बाद 10,000 किलोमीटर या फिर 9/6/2024। ठीक है ओके डन। घर का दिखा रहा है 5 hours 44 minutes। ओ नो, जैम पड़ गया यार। So that is it for this video guys. I don't want to show you the Chandigarh traffic again. Mere ko abhi ye thode time jhelna padega and I'll be riding home from here. I will see you in the next one. Bye bye. Take care. Ride safe.